हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू डिवीजन असाइनमेंट नंबर 10, क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट्स राइट सिनोनिम्स। से क्या होता है? स्पीक, बोलना। आंसर, रिप्लाई यानी उत्तर देना। होली, स्केयर्ड यानी कि पवित्र। आस्क, इंक्वायर पूछताछ करना। क्राइम, सिन पाप। कैच, होल्ड, कैच का क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा, पकड़ना। फ्रीडम, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। फोर्स, पावर शक्ति। जेंटल, नोबल। रिच का क्या हो जाएगा? वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स डिस्ट्रॉय वुड, बुक्स एटसेट्रा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? वाइन आर्ट्स, क्योंकि वाइन आर्ट्स क्या करती है? वुड को और बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है यानी कि नष्ट कर देती है। नंबर 2 है कि अबू आस्क्ड या सेड टू गेट ऑल द वुड ऑन द डंकीज बैक फोर। तो आंसर क्या है हमारा? 4 दिनार। क्या है? 4 दिनार में अबू और यासिन के बीच में सौदा हुआ था। नंबर 3 है, अबू एग्रीड टू शेयर यासिन एंड हिज कंपेनियन फोर। अबू, यासिन और उसके साथी कंपेनियन यानी कि उसके साथी की शेव करने के लिए एग्री हो गया था। कितने दिनार्स में? 2 दिनार्स में। नंबर 4 है कि खलीफा गेव हिज जजमेंट फर्स्ट टाइम इन फेवर ऑफ। खलीफा ने अपना जजमेंट दिया किसके पक्ष में? अबू द रिच बार्बर के फेवर में दिया। नेक्स्ट है, द गैंगेस आफ्टर इट फ्लो फ्रॉम हेवन रेस्टेड ऑन। गंगा नदी जो स्वर्ग से निकलती है तो वो कहाँ रेस्ट होती है, कहाँ आराम लेती है, कहाँ रुकती है? वो जाकर के रुकी है द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के हेड में। नेक्स्ट है, द गैंगेस इज वर्शिप्ड बाय द डिवोट हिंदूज एज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिवाइन मदर। Which one of the following is not a category of aunts? तो आंसर क्या हो जाएगा? टीचर्स। ऐसी कौन सी aunt है जो कैटेगरी में नहीं आती? वर्कर aunt या टीचर्स? तो वो होगी हमारा टीचर्स। Which of the following groups wild aunts belong to? ऐसी कौन सी वाइल्ड आंट्स है जो ग्रुप से बिलोंग करती है? तो आ जाएगा हमारा आंसर द ग्रुप ऑफ वाश, वाइल्ड आंट होती है ये। आंट्स कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ फूड, शुगरी आर्टिकल्स एंड देयर हॉज स्पेशली फॉर। आंट्स क्या करती है जो रेनी सीजन होता है उसमें फूड को और शुगर यानी चीनी के जो दाने होते हैं उनको अपने हॉल्स में ले जाकर कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें उनको खाने को नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करती है? उससे पहले ही सारा फूड इकट्ठे कर लेती है। रिवीजन असाइनमेंट नंबर 11, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। टेक द करेक्ट ऑप्शन। डैश बुक वुड यू लाइक टू रीड। कौन सी बुक तुम पढ़ना पसंद करोगे? विच का यूज होगा? कम एंड सिट हेयर, आओ और यहाँ बैठो। द हिडन सब्जेक्ट या कौन सा सब्जेक्ट छिपा हुआ है? यू यानी कि तुम यहाँ आओ और बैठो। नेक्स्ट है, द टेस्ट आर ओवर। टेस्ट जो है हमारे ओवर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो हम खुशी से बोलते हैं हुर्रे। टू फाइंड द सब्जेक्ट फर्स्ट लोकेट द डैश
इन द सेंटेंस, तो ये आपका आंसर होगा वर्ब ए सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड ऑन। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं तो ऐसा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वाइल्ड एंट्स बिलोंग टू, जो वाइल्ड एंट्स होती है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? आंसर है द ग्रुप ऑफ वास्प। नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ बॉडी वर टॉकिंग अबाउट, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंसर है देयर वर्क, अपने काम के बारे में। नेक्स्ट है ऑल द सेंटेंसेस हैव, जो सभी सेंटेंस होते हैं वो सबसे सब्जेक्ट्स होता है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों होते हैं? तो आंसर है कि सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट पार्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेव एनर्जी टू वर्क, कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, किससे मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेव एनर्जी टू वर्क, कार्य करने के लिए एनर्जी किससे मिलती है? स्टोमक से। द लिटिल बिजी बी गैदर्स हनी फ्रॉम, जो लिटिल बिजी बी होती हैं, छोटी छोटी जो बी होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो हनी को कहाँ से कलेक्ट करती है? तो आपका आंसर होगा एवरी ब्लूमिंग फ्लावर, यानी कि वो खिले हुए फूलों से कलेक्ट करती है। द पॉइट विशेष टू स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स, जो पॉइंट है वो अपने अर्ली ईयर्स को किस प्रकार बिताने की इच्छा रखता है? बुक्स को रीड करके। नेक्स्ट है विदाउट हुज हेल्प अदर पार्ट्स कैन नॉट लिव फिट, किसके बिना जो अदर पार्ट्स है वो फिट नहीं रह सकते? तो आंसर होगा स्टूडेंट्स द स्टोमक, यानी कि स्टोमक के बिना जो दूसरे पार्ट्स है वो भी फिट नहीं रह सकते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।